हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय सीओ में। यहाँ पे हमारे पांच इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने लिए हैं। पहली रिएक्शन है कि क्या होता है जब, या व्हाट हैपेंड व्हेन PCl3 रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो PCl3 की रिएक्शन CH3COCl से कराएंगे तो CH3COCl मिलेगा। CH3COH से करा के एसिटिक एसिड से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3COCl मिलेगा और प्लस H3PO3 मिलेगा। अगर हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो देखो दोस्तों कैसे होगा। समझने के लिए देखो क्या होगा, आपका जो फास्फोरस PCl3 है इसको अलग अलग तोड़ देना है। पी के पास होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही सी एल के पास क्या होता है, 1 नेगेटिव, आपको पता है। उसके बाद में CH3CO, तो यहाँ पे इसमें OH ग्रुप है तो OH के पास क्या होगा, 1 माइनस, और कार्बन के पास क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव। तो अब देखो जो फास्फोरस है प्लस है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ करेगा, तो पी के साथ जाएगा OH। और जैसे आपको पता है पी के पास कितना चार्ज था, 3 पॉजिटिव, OH के पास क्या था, 1 माइनस। तो ये 3 इधर आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, तो ये हो जाएगा POH का होल थ्राइज। ऐसे ही जो Cl है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, C के, मतलब कि C के साथ जाएगा तो बना देगा CH3COCl। उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं H3PO3। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर पढ़ते हैं हम इस वाली रिएक्शन में, जहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन H2+O3 से करा रखे। तो दोस्तों समझना है कि जो O3 है वो किस में टूटता है, O2+O में टूटता है। O2+O का मतलब एक तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस मिलेगी, प्लस एक ऑक्सीजन मिलेगा जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जब आप Ki यहाँ पे किस में -1 में जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं Ki का, तो वो क्या बनाता है, हमेशा I2 बनाएगा। और K किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, OH के साथ। देखो H पॉजिटिव होगा इसके साथ तो करेगा नहीं, OH के साथ करेगा तो क्या बना देगा, KOH। तो K तो KOH में बदल जाएगा, Ki I2 में बदलेगा। और O3 जो था इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाएगा इससे, और O2 के रूप में ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट SO2+Cl2 सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं और क्या बन जाएगा, थायोनील क्लोराइड SO2Cl2 बन जाएगा। ऐसे MnO2+HCl की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो HCl है ठीक है, यहाँ से जो Cl है वो किसके रूप में निकलेगा, Cl2 के रूप में। और Mn के साथ भी जब Cl रिएक्शन करेगा तो MnCl2 बन जाएगा और प्लस यहाँ से H2O बन जाएगा। नेक्स्ट CaOH का ऑल्टोएज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की रिएक्शन जब कराते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो 2OH है तो यहाँ से एक H2 अलग निकल जाएगा और ये बन जाएगा CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर ठीक है। तो ये आपकी पांच रिएक्शंस थी, इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट है यूके बोर्ड के लिए भी। और जितने भी आपके बोर्ड के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम ला रहे हैं, तो यूके बोर्ड है, चाहे आपका HBSC है, चाहे आपका RBSC है, चाहे आपका MP बोर्ड है, आपका ओडिशा बोर्ड है, HSC बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है आपका, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, आप जरूर करके जाएं। और प्लेलिस्ट से आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। केमिस्ट्री पाठशाला जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों, आप एक बार उसको जरूर ज्वाइन करें। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको जरूर ज्वाइन करें। और इतनी मेहनत कर रहे हैं रात के, अगर मैं बात करूँ तो अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:29 ठीक है। इस टाइम हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।